अस्सलाम वालेकुम। ये सेकेंड ईयर का पहला पेपर है न्यू बुक से, और 1 जुलाई 2024 को ये पेपर जो है कंडक्ट किया गया था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह के पेपर होंगे। इसके अलावा जो मॉडल पेपर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम जितने भी पेपर्स होंगे उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय बेरिलियम इज नो कलर। वाई नो कलर? क्योंकि बेरिलियम जो है वो कोई भी विजिबल रीजन के अंदर कोई लाइट इम्पार्ट नहीं करता, इस वजह से ऐसा कोई इमिशन नहीं है उसका, तो इस वजह से उसका कोई कलर नहीं होता। द रीजन दैट बेंजीन बर्न्स विद सूट इज इनफ्लेमेबिलिटी। तो देखें, तमाम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होते हैं। हाई रेजोनेंस एनर्जी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरोमेटिसिटी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेन रीजन उसका यह है हाई कार्बन कंटेंट, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो कंप्लीट कम्बशन नहीं हो सकती है, और बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न फॉर्म में, अनरिएक्टेड फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाते हैं। अच्छा जी, ड्रग्स दैट मेक बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आर कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पर ये सेंटेंस हो सकता है इसमें एम्बिगिटी हो, कि बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो अगर हाई फीवर हो जाता है और फिर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं तो वो एंटी पायरेटिक कहलाती है, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दीज आर दी ड्रग्स और मेडिसन विच आर यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटी एलर्जिक, जो किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स को ओवरकम करने के लिए यूज होती हैं, एंड एंटी हिस्टामिन भी एंटी एलर्जिक ही होती हैं, जो हिस्टामिन के एक्सेस होने को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, दिस प्रोसेस इज यूज टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलिन। तो देखें, ऑक्टेन नंबर जो इम्प्रूव होता है वो रिफॉर्मिंग से होता है, ना तो रिफाइनिंग से होगा, ना डिस्टिलेशन से, ना कंडेंसेशन से। अच्छा, जी, क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अब एक बात याद रखिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं जनरली जो कंपाउंड्स बना रहे होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि अगर हम ग्रुप 2 के मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से और नाइट्रोजन को एन से, तो देखें नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज होगा और ग्रुप 2 का मेटल इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। तो ये फॉर्मूला लिखने का तरीका आपने अपने स्कूल लेवल पर सीखा था, कि इसमें करते क्या है कि जो इसका चार्ज है वो इस दूसरा एलिमेंट की जो सबस्क्रिप्ट बन जाता है, और जो इसका चार्ज है वो इसकी सबस्क्रिप्ट बन जाता है। तो फॉर्मूला हो जाना चाहिए M3N2। तो हमें डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर है M3N2। तो M3N2 इज दिस वन, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये आंसर जो है जिसने भी मार्क किया है दैट इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन, इट इज नॉट इन एप्पल, नॉट विनेगर, नॉट बटर, इट इज इन एंट्स स्टिंग एंड द बीज स्टिंग, सो इट इज द करेक्ट वन। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, कुछ वजूहात की बुनियाद पर ये ऑप्शन जो है ये एमसीक्यू कैंसिल कर दिया गया है, और हर स्टूडेंट को जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसने कुछ भी आंसर लिखा हो उसको 1 मार्क अवॉर्ड कर दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द जनरल फार्मूला फॉर साइक्लो अल्केन इज CnH2n। अच्छा, अब जनरल फार्मूला फॉर साइक्लो अल्केन और अल्कीन एक ही जैसा होता है, क्योंकि दोनों में दो हाइड्रोजन की कमी होती है, तो अल्कीन का भी जनरल फार्मूला CnH2n है और साइक्लो अल्केन का भी यही है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि अल्काइन का जनरल फार्मूला भी CnH2n-2 है और साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला भी CnH2n-2 होता है। खैर, हमसे तो जो पूछा है हमने उसका आंसर दे दिया। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रेडियो वेव्स। ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव्स और उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो रेजोनेट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन कैमेनोफोर इस +7 कैसे है? ये चीज़ें तो आप फर्स्ट ईयर से निकालना सीख चुके हैं कि अगर हम देखें तो KMnO4 ओवरऑल चार्ज जो है इनके ऊपर है 0, चार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज -2, मैग्नीज एक ही है और इसका चार्ज नहीं मालूम है हमें, पोटाशियम एक है और इसका चार्ज +1 होता है, तो प्लस भी लिख दें तो बेहतर है। एनीवे, तो आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये 1+Mn, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास -8। अच्छा, मैं ज़रा इसको करेक्ट करके लिख लूँ, एन सिंबल में हमें खास तौर पे ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसी एरर ना हो। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा Mn-7 = 0, सो Mn = +7। तो ये इस तरीके से आप देखिए, आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, इसका आंसर +7 है। द ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दी हुई है इनमें से कोई भी ग्रीन हाउस नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है, ये बात जहन में रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज विच एब्जॉर्ब IR। तो इनमें से जो IR रीजन में रेस को एब्जॉर्ब करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कोई और नहीं है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन। यस, इट इज करेक्ट। एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जबकि प्लांट्स में वो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड टू दिस। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस तरह से यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ है लिथियम, यहाँ है बेरिलियम, फिर ग्रुप 3 में आ जाएं तो अगर ग्रुप 3 का ट्रांजिशन एलिमेंट रिमूव कर दें और इसको कंबाइन करके देखें तो यहाँ पर आपके पास है बोरॉन और बोरॉन के नीचे है एल्युमिनियम। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर हम यहाँ इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दें तो अब देखिए कि इनके दरमियान ये डायगोनल रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड टू एल्युमिनियम, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑन ऑक्सीडेशन अ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। देखें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन फॉर्म होता है, और इन कंडीशंस में जिसमें ये बात कर रहे हैं, जो हमारी सिलेबस में जो शामिल किया गया है, टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेटिवली सॉरी डिग्रेडेटिव फॉर्म में, यानी कि वो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और फिर उस सूरत में ऑक्सीडाइज हो सकती है, लेकिन जो कंडीशंस हमारे सिलेबस में शामिल है उसमें टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बात आइए क्वेश्चन नंबर 15। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस मॉलिक्यूल इज डैश। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? आंसर तो यहाँ सही मार्क हुआ हुआ है,
इट इज सिक्स, लेकिन ये सिक्स कैसे है इसको एक मरतबा देख लेते हैं। देखें दिस इज C2O4 इज ऑक्सलेट ग्रुप। ऑक्सलेट ग्रुप को अगर हम देखें तो ये लीगेंड इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये एक ऑर्गेनिक लीगेंड है। यहाँ पे भी नेगेटिव लाइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव लाइन, तो एक्चुअली दिस इज अ बाइडेंटेड लीगेंड। तो अगर ये बाइडेंटेड है और इसके थ्री मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो फिर 2 × 3 ये 6 हो गया, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एलिमेंट इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए हम जानते हैं जिंक प्लेटिंग भी की जाती है, टिन प्लेटिंग भी की जाती है, क्रोमियम प्लेटिंग भी की जाती है, लेकिन मैग्नीज की प्लेटिंग यूजुअली नहीं की जाती है। इसके कई रीजन हैं जिसको हम कहीं और डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज इट्स रिएक्टिविटी, इट इज मच रिएक्टिव देन द अदर वन। अच्छा, रिएक्टिव तो जिंक भी है, लेकिन जिंक की क्यों की जाती है? क्योंकि जिंक सेक्रिफिशियल मेटल है, और जब आयरन के ऊपर जिंक की अगर हम प्लेटिंग कर देंगे देन वी कैन, या उसको गैल्वेनाइज भी किया जा सकता है, सिर्फ प्लेटिंग ही जरूरी नहीं है। जो भी आसान तरीका है वो हम उसको एडॉप्ट करते हैं। तो बहरहाल, तो कई रीजन है जिसकी वजह से मैग्नीज की प्लेटिंग नहीं की जाती है। ओजोन डिप्लीशन इन अपर एटमोसफियर इज मेनली कॉज बाय CFC। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये बात याद रखिएगा, कार्बन ऑक्साइड इतनी एक्सेस में है अपर एटमोसफियर में नहीं पहुंचेगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी इतना अपर एटमोसफियर में नहीं पहुंचेगी, तो मेनली CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और ओजोन के साथ इंटरेक्ट करके उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीका से CFC कैन कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज बाय CFC।